देश के बहुत चर्चित और सबसे पुराने अयोध्या भूमि विवाद मामले को लेकर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल को आने वाली पीढ़ियां इतिहास के रूप में याद रखेंगी। आज हम आपको बता रहे हैं कौन है जस्टिस रंजन गोगोई, कैसे बने CJI और उनके कार्यकाल में कौन से बड़े फैसले किए गए। जस्टिस रंजन गोगोई का जन्म 18 नवंबर 1954 को असम में हुआ था। असम के पूर्व मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई के बेटे रंजन गोगोई देश के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बनने वाले पूर्वोत्तर के पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने 1978 में बार काउंसिल ज्वाइन की थी। इसके बाद साल 2001 में बतौर जज जस्टिस गोगोई ने अपना करियर की शुरुआत गुवाहाटी हाईकोर्ट से की थी। 2010 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जज बने। 23 अप्रैल 2012 को सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त किए गए। इसके बाद अक्टूबर 2018 में जस्टिस दीपक मिश्रा के बाद जस्टिस गोगोई ने देश के 46वें CJI के रूप में सुप्रीम कोर्ट की कमान संभाली। CJI गोगोई सुप्रीम कोर्ट के उन 11 जजों में से एक हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की है। जस्टिस गोगोई के CJI कार्यकाल के दौरान देश के कई बहुचर्चित मामलों पर फैसले लिए गए। सबरीमाला मंदिर। बीते 6 फरवरी को जस्टिस गोगोई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दायर किए गए 45 रिव्यू पिटीशनों पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखा था। इस बेंच में CJI गोगोई के अलावा जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी शामिल थे। राफेल घोटाला मामला। इसी साल मई में CJI गोगोई की अगुवाई में जजों की अन्य पीठ ने राफेल घोटाला मामले में रिव्यू पिटीशनों पर सुनवाई की थी। राफेल लड़ाकू विमानों की डील की आपराधिक जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ये याचिका अदालत के दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इसके बाद RTI अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय और CJI के अधिकारियों को सार्वजनिक अथॉरिटी मानने के मामले ने खूब तूल पकड़ा था। एक दशक से भी ज्यादा समय से लंबित इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने फैसला सुनाया था कि CJI का कार्यकाल RTI जांच के लिए खुला रहेगा। जस्टिस भट्ट अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 2010 में उनके इस फैसले के खिलाफ अपील की थी और CJI गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अप्रैल 2019 में इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। असम NRC। इसके अलावा असम NRC को लेकर भी जस्टिस गोगोई की ओर से कई सख्त कदम उठाए गए हैं। हालांकि अयोध्या विवाद पर आया फैसला सबसे बड़ा मुद्दा है जिसके कारण जस्टिस गोगोई के कार्यकाल को याद किया जाएगा। जस्टिस गोगोई 17 नवंबर को CJI के पद से रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले वर्षों से लंबित अयोध्या का विवादित जमीन के मामले की लगातार 40 दिनों तक फास्ट ट्रैक सुनवाई करने के बाद शनिवार 9 नवंबर को उन्होंने अपना फैसला सुनाया। अमर उजाला.com